हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के सेंसेंस स्टडी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको वर्कशीट 18 करवाने जा रहा हूं। ये जो 18 वर्कशीट है ये सोशल साइंस की क्लास 6 की रहेगी और 8 सितंबर की रहेगी। और इससे पहले की जितनी भी सारी वर्कशीट्स हैं वो ऑलरेडी बनाई जा चुकी हैं और इस वीक की भी बनाई जा चुकी हैं, ठीक है। कुछ रह गई होंगी उन्हें भी कर दिया जाएगा। आज का जो टॉपिक रहेगा ना वो ग्लोब एंड लैटीट्यूड से रिलेटेड रहेगा। मैं आपको अच्छे से एक चीज़ बताऊँगा कि ग्लोब और जो लैटीट्यूड है वो क्या है, ठीक है। देखिए आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है इन द प्रीवियस वर्कशीट, कि आपने जो पुरानी वर्कशीट करी थी यू हैव रीड दैट, आपने पढ़ा था प्लैनेट अर्थ इज नॉट ए स्फीयर, पढ़ा था ना हमने, पढ़ा था पुरानी वर्कशीट में कि जो हमारी जो धरती होती है वो पूरी तरह से गोल नहीं होती है, ऊपर से और नीचे से क्या होती है फ्लैटेंड होती है, चपटी होती है ना, पढ़ा था ना हमने। और हमने क्या पढ़ा था कि जैसे पृथ्वी है तो यहाँ से क्या होता है बल्क होती है, क्या होती है बल्क, मतलब उभरी हुई होती है, बाहर की तरफ निकली होती है, पिचकी हुई तो नहीं होती ना हमारी पृथ्वी, बल्क होती है, क्या होती है बल्क होती है मिडल में से। अब आगे देखो आज हमें क्या करना है, ये कह रहा है कि कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स, कि जो धरती है वो कैसी दिखती होगी, आप इमेजिन कर सकते हो। तो जो लोग हैं उन्होंने क्या करा है, जिन्होंने जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने पृथ्वी जैसा एक जो है ऐसा डिज़ाइन तैयार कर दिया, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ना मॉडल, तो इस मॉडल को ही ग्लोब कहा जाता है, ठीक है। तो ग्लोब के अगर आपसे पूछना ग्लोब के आप बोलो ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनीचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, इतना आपको ग्लोब के बारे में याद रखना है कि ग्लोब जो है ना वो पृथ्वी का एक रूप है, ठीक है, ताकि हम पृथ्वी को समझ सकें, इसलिए ग्लोब को डेवलप किया गया। अब आप इसे ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से समझना, इधर आके इधर देखो ध्यान से, एक एक चीज़ ध्यान समझो। ये जो बिल्कुल बीच में से जो लाइन जा रही है ना, जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है उसे इक्वेटर कहते हैं, कहते हैं इक्वेटर। और इसके जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला होता है उसे हम साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कील नेल दिखाई दे रहा है नीचे तक जिसने इसको सपोर्ट दे रखा है, तो ये बिल्कुल, ये जो बिल्कुल सेंटर का जो हिस्सा होता है इसे नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे वाले को साउथ पोल कहते हैं। देखो ये साउथर्न है तो साउथ पोल हो गया, नॉर्थर्न है तो क्या हो गया नॉर्थ पोल हो गया। लेकिन एक्चुअल में अर्थ में जो असली जो धरती है ना उसमें कील नहीं होते हैं, समझ में आ गई? तो यही चीज़ जो है ना यहाँ पर मेंशन की गई है। तो अगर आपसे पूछ लें कि कितने पोल्स हैं तो आप बता दोगे ना, दो, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ बता दोगे ना। तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ फिर भी क्या लिखा है। यू विल नोटिस दैट, आप नोटिस करेंगे दैट आर नीडल इज़ फिक्स्ड, एक जो नीडल मतलब ये जो सुई है इसको फिक्स किया गया है, ठीक है, थ्रू द ग्लोब, ग्लोब में फिक्स किया गया, आप देख सकते हैं, इन अ टिल्टेड मैनर, मतलब थोड़ा सा इसको तिरछा करके दिखाया गया। आप सोच रहे होंगे कि ये बिल्कुल गोल, ये जो ऊपर से नीचे क्यों दिखाया गया, थोड़ा टेढ़ा करके क्यों दिखाया गया, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके। और इसी तरीके का डिज़ाइन बनाया जाता है विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस, और ये इसके एक्सिस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, इसके एक्सिस कहलाते हैं, ठीक है, ये क्या है इसके एक्सिस हैं। आगे देखिए, टू पॉइंट्स ऑन ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस आर टू पोल, देखो ये जो नीडल है ना ये पास हो रही है दो पॉइंट्स, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, हो रही है ना, तो यही एक नॉर्थ पोल कहलाता है और नीचे वाला साउथ पोल कहलाता है। ये कह रहा था रियल अर्थ में जो असली जो धरती होती है ना उसमें नीडल नहीं होती, सुई ये नहीं होती, मैंने अभी आपको समझा दिया था। ये कह रहा था ग्लोब कैन बी मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये जो है ना इसको जब घुमाओगे ना तो ये वेस्ट टू ईस्ट घूमेगा, जैसे धरती घूमती है ना वैसे ही ये घूमता है, लिखा ना जस्ट एज द अर्थ मूव्स, जैसे धरती घूमती है वैसे ही हम ग्लोब को भी घुमाते हैं, इस तरीके से डिज़ाइन बनाया गया, ठीक है। आपने देखा भी होगा स्कूल के अंदर प्रिंसिपल रूम में भी देखा होगा। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब, ये कह रहा है इसमें ना कुछ जो है लाइन जो है ना ग्लोब में वो रनिंग हो रही होती है जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती हैं, ठीक है, ये लिखा अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब, ये बिल्कुल बीच में एक लाइन बोला, खाली एक लाइन है, ये बिल्कुल बीच में से जा रही है लाइन, ठीक है, जो लाइन जा रही है ना आप ध्यान से देखो, ये जा रही है ना, ये लाइन जा रही है ना, तो ये जो लाइन होती है ना इसी को इक्वेटर कहा जाता है, क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स, इक्वेटर कहा जाता है। और ये कह रहा है द नॉर्दर्न, जो नॉर्दर्न मतलब जो ऊपर का हिस्सा है हाफ ऑफ द अर्थ फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल, और क्योंकि नॉर्दर्न है तो ये नॉर्थ पोल से हो गया, इसलिए हम इसको पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ऐसे ही ये जो साउथर्न है ना, ठीक है, साउथर्न ये हाफ ऑफ द अर्थ फ्रॉम इक्वेटर टू साउथ पोल, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का ये पूरा हिस्सा होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। समझ में आ गई, ठीक है, आगे अच्छे से समझ में। आपको एक पिक्चर भी दिखाता हूँ मैं, देखिए जो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना इसमें ये जो आपको बिल्कुल बीच में से जा रहा है ना ये इक्वेटर होता है, ये जीरो डिग्री का होता है, ठीक है, और ये जो इसके पैरेलल लाइन होती है ना ये सारी आप पैरेलल लाइन देख रहे होंगे, मैं कोई और कलर ले लेता हूँ,
ठीक है, पहला लाइन जितनी भी है ना सारी, ये सारी की सारी बच्चों लेटीट्यूड कहलाती हैं। क्या कहलाती है? लेटीट्यूड। आप लेटीट्यूड को याद रखो, लेटी हुई से, लेटी हुई है ना सारी। तो ये जो इक्वेटर की जितनी भी सब पैरेलल होती है ना, और पैरेलल का मतलब होता है जब दो लाइन एक दूसरे को काटती नहीं है, उसको बोला जाता है। ठीक है, समझ में आपको कि लेटीट्यूड होता क्या है? यहाँ पर और अच्छे से बता रखा है कि देखो ये इक्वेटर है, तो इसकी ये जो लाइन आपको ये पैरेलल दिखाई दे रही है ना, ये सारी की सारी क्या लेटीट्यूड कहलाएंगी। समझ में आ गई आप सबको? ये कह रहा था द इक्वेटर रिप्रेजेंट द जीरो डिग्री लेटीट्यूड, और मैंने आपको बोला ना ये जो इक्वेटर होता है जीरो डिग्री को बताते, क्योंकि बिल्कुल बीच में है। और जितनी भी सारी पैरेलल लाइंस, पैरेलल बताऊँ, जैसे आप मान लो ये जो लाइन दिखाई दे रही है और ये जो लाइन दिखा रही है, पैरेलल है, क्योंकि जितना मर्जी आगे बढ़ा लो कभी काटेंगे नहीं। तो समझ में आ गई? पैरेलल लाइन उन्हें कहा जाता है जो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। अब बताओ क्या ये दोनों पैरेलल हैं? वेरी गुड, ये दोनों नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे जाके मिल जाएंगी। और अब आप बताओ, जैसे मैंने यहाँ पर ये एक लाइन ड्रॉ करी और एक ये लाइन ड्रॉ करी, क्या पैरेलल है? ठीक है, अगर मान लो स्ट्रेट है, स्ट्रेट मान लो, तो ये बिल्कुल पैरेलल है। ये आपको दिखाई दे रही है जो लाइन जा रही है, एक ये जा रही है, एक जा रही है, तो ये क्या है? ये पैरेलल है, ये कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? अभी आगे क्या कह रहा है? ये कह रहा है सिंस द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज इक्वेटर टू अदर ऑफ द पोल इज 90 डिग्री। ये कह रहा है कि इसकी जो डिस्टेंस है टोटल 90 डिग्री होता है। आप देखो किस तरीके से डिग्री बढ़ता जा रहा है, 20, 40, 60, 80, इस तरीके से लास्ट में 90 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे 90 नीचे होगा, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, समझ में आ गया? ये कह रहा देयर आर द 90 इक्विडिस्टेंट पैरेलल सर्कल, और ऐसे ही 90 डिग्री है ना, तो 90 जो है यहाँ पर जो है वो कितने होंगे? सर्कल्स होंगे, ऐसे नीचे भी 90 होंगे। तो इस तरीके से टोटल कितनी आ गई लाइन? 180 आ गई। कितनी आ गई? 180 आ गई। और कह रहा है ईच पैरेलल सर्कल हैज़ 1 डिग्री डिस्टेंस, और जितनी भी एक एक लाइन है ना ये सब, क्योंकि टोटल ऊपर कितनी है? 90 हैं, और नीचे कितनी है? 90 हैं। तो ये जो टोटल जो है ना 180 लाइन, तो इसमें एक एक डिग्री का डिफरेंट होता है। कितने का होता है? एक एक डिग्री का डिफरेंस होता है। ये कह रहा है ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, एंड सिमिलरली ऑल पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। ये वही बोल रहा है कि जो इक्वेटर, जो पैरेलल लाइंस, ठीक है, इक्वेटर के जैसे नॉर्थ में पड़ती हैं, ऊपर की ओर पड़ती हैं, उन्हें नॉर्थ लैटिट्यूड बोलेंगे, और जो नीचे पड़ते हैं उन्हें साउथ लैटिट्यूड कहेंगे। अच्छा, कई बच्चे ने ये भी सुना होगा कि 181 भी लिखा होता है, लेकिन आप 180 ही लिखना, ठीक है, जो लाइंस होती हैं। अब आपको देखो ये क्वेश्चन है, मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में आंसर दिखाता हूँ, बहुत ही ईजी है, अगर आपने बाकी समझ ली तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, अब फटाफट आंसर देखो। आप देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज ग्लोब, ग्लोब क्या है? तो आप बोलोगे ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल, ये पैसेज में से किया गया, ठीक है, जो ग्लोब है ट्रू मॉडल है ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ कैसी दिखती है उसको दिखाने के लिए जो चीज़ बनाई जाती है ना, उसे ही ग्लोब कहते हैं। तो मिनिएचर फॉर्म है, क्या है ये? मिनिएचर मतलब छोटा रूप है, क्या है? छोटा रूप। आप इसे ब्रैकेट में लिखेंगे और बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, ठीक है, अच्छे से लर्न भी करते रहना। अब इक्वेटर क्या है? मैंने अभी आपको बताया ना, इक्वेटर वो इमेजिनरी लाइन होती है जो पूरे ग्लोब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो मैंने इसके बारे में दो बातें लिखी हैं, आप केवल इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वेटर यहाँ ई कैपिटल में लिख लेना, ठीक है, क्योंकि प्रिंटेड करते हुए ना कई बार कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो ठीक है, प्लीज़ कोऑपरेट करना इसमें, ठीक है। तो इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन, इक्वेटर जो है वो इमेजिनरी लाइन होती है रनिंग ऑन द ग्लोब, जो ग्लोब में, ठीक है, ऐसे दौड़ रही हैं और डिवाइड करती हैं उसको दो इक्वल पार्ट्स में। बताया था ना मैंने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, अभी मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी, ठीक है, दिखाई थी ना बच्चों पिक्चर, अभी दिखाता हूँ। आप देखिए ये देखो, ये इक्वेटर है ना, है ना, दो पार्ट में इक्वल डिवाइड कर रहा है ना, तो ये बता रहा था मैं, ठीक है। और आपको तीन क्वेश्चन कॉपी करने हैं, अगर आप ऊपर का कुछ नोट करना चाहें तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छे से करना। और अगर आपको इतना लिखना बहुत है, मैंने और भी लिखा है कि इसको हम कैसे बोल सकते हैं, ये हाफ वे होता है, मतलब दो भागों के बराबर में होता है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को 0 डिग्री पर, ठीक है, लैटिट्यूड पर डिवाइड कर देता है, मतलब उसको दो पार्ट, एक ऊपर का हिस्सा और नीचे के हिस्से को जो लाइन डिवाइड कर रही है वो क्या है? इक्वेटर है। क्या है? इक्वेटर। तो आप ये भी लिख सकते हैं, फिर ये मत लिखना, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आप दोनों लिखना चाहें तो आप दोनों भी लिख सकते हैं। अब आज ही आज का लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड, ये पूछा गया था कितने लैटिट्यूड हैं ग्लोब में, तो हम 180 लिखेंगे, ठीक है, और आप कहीं देख भी सकते हैं 181, लेकिन आप 180 ही लिखना, ठीक है। और अगर आपको फिर भी थोड़ा वो है कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप एक बार अपने SST के टीचर से कन्फर्म कर लेना, ठीक है। तो आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ऐसे सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो देखते हैं। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।